तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट योर ओन चैट जीपीटी। तो ये फुल फ्लेज प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ उसका इंटीग्रेशन पार्ट होगा। ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट योर चैट जीपीटी एपीआई। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट अपना कोई भी फेवरेट कोड एडिटर ओपन कर लीजिएगा और ये जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसको ओपन कर लीजिएगा, platform.openai.com/overview। तो ये आपका इंटरफेस रहेगा। तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं। अगर अकाउंट है तो साइन लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये हो गया। तो फर्स्ट हम लोग को जाना है पर्सनल में, व्यू एपीआई कीज में जाना है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की करना है। तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने कोड एडिटर पर जाके .env फाइल बना लीजिएगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। कुछ हम लोग को मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग जेसन फाइल बना लेते हैं। ठीक, जेसन फाइल बन गया। और मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, npm install, क्या क्या चाहिए, .env और हम लोग को OpenAI का मॉड्यूल चाहिए। ये इंस्टॉल होने के बाद आप package.json में जाइएगा और यहाँ पे मॉड्यूल यूज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ता है। अगर आपने Node.js इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे काम करते हैं। index.x फाइल बना लेते हैं, index.js। यहाँ पे हम लोग पहले इंपोर्ट कराते हैं .env से config। हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं कि क्या हम लोग का सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है। तो process.env.api की, चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं, npm run dev। तो यह सीक्रेट की आ रहा हम लोग का। तो फर्स्ट हम लोग कुछ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं। हम लोग को बेसिकली दो चीज़ चाहिए, एक कॉन्फ़िगरेशन और एक OpenAI का API। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम लोग को एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, const OpenAI न्यू। यहाँ पे API की सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे वही कोड होगा जो हम लोग ऊपर लिखे थे, उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये तो सेट है। तो यहाँ पे जब आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया होगा तो बहुत सारा मेथड आएगा, चार्ट इनेबल, चार्ट फाइल, चार्ट फाइन ट्यून। तो हम लोग को सिर्फ सेकंड वाला चाहिए, ये चार्ट कंप्लीशन। तो यहाँ पे दो चीज ही सेट करना है, एक मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करना है, GPT 3.5/turbo। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैसेज में हम लोग का दो चीज रहता है, एक रहता है कि ये मैसेज किसने प्रिंट करा है, रोल किसका है। तो रोल हमारा क्या रहेगा, यूजर का, और मैसेज क्या है वो कंटेंट में हम लोग लिखते हैं, हेलो GPT। ठीक, तो इसको भी प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं कि ठीक ठाक से सेंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड console.log.respond डेटा करते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स ही करके देखते हैं पर क्या आता है। तो यहाँ बहुत सारा टेक्स्ट आता है, हम लोगों को सिर्फ चाहिए डेटा। डेटा के अंदर चाहिए चॉइस, चॉइस के अंदर आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही में हम लोग का मैसेज रहता है। तो ये रहा हम लोग का मैसेज, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो ये इसी को प्रिंट करना है, मैसेज डॉट कंटेंट जो हम लोग का है। तो इसको प्रिंट करके एक बार लास्ट टाइम देखते हैं। तो ये आपका आ गया मैसेज। पर ये सिंपल था, पर
अगर हमको और कोई मैसेज लिखना है तो उससे क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक मॉड्यूल ही इस्तेमाल करेंगे रीड लाइन नाम का। वो क्या होता है कि जितना भी हम लोग का प्रॉम्प्ट करना रहता है उससे हम लोग कर सकते हैं। तो हमने इंपोर्ट करवा लिया है, इसको सेट कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारा होता है पर हम लोग को चाहिए क्रिएट इंटरफेस। तो इसमें इनपुट सेट कर दे रहे हैं, तो इनपुट वही रहेगा जो हम लोग तो ये बन चुका है। अब होता है प्रॉम्प्ट यूज करेंगे और एक ऑन यूज करेंगे जो एंटर थ्रो कर देगा, लाइन मीन्स न्यू लाइन पे थ्रो कर देगा। चलिए तो इसमें हम लोग जो इनपुट डालना है वो कर लेते हैं। इनपुट नाम का एक तो ये जितना नीचे का कोड है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अगर एसिंक बनाया तो इसको वेट करना पड़ेगा, तो वेट कर लेते हैं। और ये जो कंसोल लॉग मैसेज है इसको प्रिंट कर लीजिए और ये वाला डिलीट करें। इतना ही था कोड, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये आ गया। चलिए एक बार हाय। तो एक और चीज देख लेते हैं, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ओके कहाँ पे ये गलत हो रहा है, ओके यहाँ पे हमने हेलो जीपीटी लिखा। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इनपुट। ठीक है अब देखते हैं हाय। ठीक है नेक्स्ट मैसेज रहेगा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो ये आ गया। तो ये सिंपल एक इंटीग्रेशन था कोड। अगर आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, आप ये टू डू ऐप बना सकते हैं या कोई चैट ऐप बना सकते हैं। ठीक है अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।